हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए सेटअप के साथ। तो बहुत लोग का यह सवाल था कि भाई WPO का जो टिकट है वो कैसे बुक करें, एंड इसका क्या प्रोसेस है, मैं कैसे बुक करना, मैंने टिकट जो है फिजिकल टिकट वो कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि भाई WPL होता क्या है। तो जैसे कि हम लोगों ने सुना हुआ कि हमारे इंडिया में IPL खेला जाता है, जो कि अप्रैल से लेकर मई तक 2 महीने कंटिन्यू जो है वो मैचेस होते हैं, जिसमें मेंस लोगों का जो है ये टूर्नामेंट होता है, लीग होता है। उस तरीके से ये WPL भी वुमेन प्रीमियर लीग है, जो कि 2023 में इसका पहला सीजन पूरा पूरी मुंबई में खेला गया था, एंड ये 2024 इसका दूसरा सीजन होगा। एंड हमें यहाँ पर आधे मैचेस जो है बेंगलुरु में देखने को मिलेंगे, एंड आधे जो मैचेस जो बचे हुए हैं वो हमें दिल्ली में देखने को मिलेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि जब जो WPL जो टिकट है वो कैसे बुक करें, इसका क्या प्रोसेस है, हमें फिजिकल टिकट जो है वो कितने दिनों में मिलेगा एंड कैसे मिलेगा, मैं सारा आपको इस वीडियो में जो है बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ जो टिकट है पहले वो कैसे बुक होगा। मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर ली है। तो हमारा नॉर्मली मैं चलता हूँ क्रोम पे, ठीक है, क्रोम पे, ठीक। एंड मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, हमें जो इसका जो बुकिंग पार्टनर है भाई वो है बुक माई शो। तो मैं बुक माई शो पे यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद हमें जाना है सबसे पहले वाले इस लिंक पे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, जहाँ पे हमें जो है अपना लोकेशन जो है वो डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बेंगलुरु जो है पहले से डाल रखा हूँ। उसके बाद से हमें यहाँ पे जाना है स्पोर्ट्स वाले आइकन पर। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आप लिखा हुआ है टाटा IPL, एंड पूरा जितने भी यहाँ पर टीम खेलने वाले हैं, मुंबई, गुजरात, UP, दिल्ली और बैंगलोर, ये सब आपको यहाँ 5 टीमें देखने को मिलेंगी। एंड मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे जितने भी मैचेस हैं जो कि चिन्ना समय स्टेडियम में होने वाले हैं, वहां पर आप वहां के सारे टिकट आपको देखने को मिलेंगे। मैं क्लिक करता हूँ 23 फरवरी वाले पे, एंड देख सकते हो यहाँ पे चिन्ना समय स्टेडियम में जितने भी मैचेस होने वाले इस वेन्यू पे, वहां के आपको सारे टिकट फिलहाल यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे। जहां पर मैं मैचेस की बात करूँ तो टोटल होगी 3, 3, 6, 3, 9, 2, टोटल 11 मैचेस जो है वो बेंगलुरु में खेले जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि नीचे आपको जो है 100 रुपये ही बस टिकट जो है प्राइस देखने को मिलेगा। एंड ओपनिंग सेरेमनी की बात करो तो वो होने वाला है 23 फरवरी को। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पहला मैचेस होगा भाई मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल। मैं करता हूँ यहाँ से बुक। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि सिर्फ 100 रुपये वाला ही आपको सीट देखने को मिलेगा। इन 100 रुपीज का सीट आपको फिलहाल जो है वो शुरू हुआ है, बाकी अभी बॉक्स 8 ये सब का कोई भी अभी स्टैंड देखने को आपको नहीं मिलेगा पैसे का। तो मैं फिलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ 100 रुपये का, एंड मैं करता हूँ यहाँ से B स्टैंड, एंड मैं यहाँ से करता हूँ 1 सीट यहाँ से बुक। एंड भाई यहाँ पे हमें एक अच्छी चीज़ें देखने को मिली है भाई, वो है M टिकट। बहुत लोग का ऐसा रिक्वेस्ट था कि ये M टिकट यानी कि E टिकट जो है वो स्टार्ट हो जाए, कि टिकट बुक करने के बाद हम वो उस टिकट बुक जो है हम एंट्री गेट पे दिखा सकें, एंड उससे जो है हमें एंट्री मिल जाए। एंड फाइनली वो चीज़ यहाँ पर हो चुका है। इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो M टिकट इन्फॉर्मेशन, कस्टमर कैन एक्सेस देयर टिकट फ्रॉम द माई प्रोफाइल सेक्शन ऑन द ऐप एंड मोबाइल वेब, ठीक है। एंड सेकेंड होगा, इट इज मैंडेटरी टू प्रेजेंट द टिकट इन द प्रोफाइल सेक्शन वाया ऐप, मोबाइल, वेब स्टोर एट द वेन्यू, नो फिजिकल टिकट आर रिक्वायर्ड टू द एंटर द वेन्यू। फाइनली भाई वो टाइम आ चुका है नो फिजिकल टिकट का, यानी कि हमें टिकट बुक करने के बाद फिजिकल टिकट डिलीवरी का वेट या फिर वहाँ बॉक्स ऑफिस से पिकअप नहीं करना पड़ेगा। हम लोग यहीं से टिकट बुक करने के बाद, मतलब ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद अपना जो QR है एंड जो भी हमें जो मिलता है रिसिप्ट, वो हम अगर वहाँ दिखाएंगे तो हमें फाइनली जो है वो एंट्री मिल जाएगा। तो ये भाई बहुत अच्छा हुआ, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन था एंड बहुत लोग चाह भी रहे थे इस चीज़ को होना। तो आप M टिकट मैंने यहाँ से माना सेलेक्ट ऑलरेडी है, एंड उसके बाद से आप मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो आप देख सकते हो कि 20 रुपये यहाँ पे हमें बुकिंग फी जो है वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। टोटल बात करूँ तो 120 रुपये मुंबई इंडियन वर्सेज दिल्ली कैपिटल, एंड यहाँ से स्टेट कर्नाटका, लॉग इन टू प्रोसीड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ से अपना जो ID है यहाँ से लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं वह ID जो है अपना लॉगिन कर लेता हूँ, एंड फाइनली यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट पेज पे जो आ चुका है। तो आप यहाँ पे किसी मेथड से जो है पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, UPI या फिर यहाँ से रिडीम पॉइंट, तो इनके थ्रू जो है आप यहाँ से जो है पेमेंट कर सकते हैं। एंड इसके बाद से आपको जो है मेल पे आपका जो टिकट वो आ जाएगा, या फिर आप जब इसको अगर आप लॉग इन करते हैं तो आपको माई प्रोफाइल सेक्शन में, ऑर्डर सेक्शन में है जो आपको ये टिकट देखने को मिल जाएगा। एंड भाई मैं भी जा रहा हूँ 23 फरवरी को बेंगलोर में। तो अगर आप कोई भी अगर जाने वाले हो तो मुझे प्लीज कमेंट करें, मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें, मैं आप लोगों से जरूर थोड़ा सा हेल्प लूंगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बेंगलोर जा रहा हूँ और वो भी भाई
ओपनिंग सेरेमनी को कवर करने 23 फरवरी को। तो भाई फिलहाल जो है दिल्ली की जो भी मैचेस थे उसके अभी फिलहाल टिकट नहीं आया, बट उसके भी मेरे हिसाब से एक हफ्ते के आसपास वो भी 11 मैचेस से जो टिकट है दिल्ली के वो सारे हमें बुक माई शो पे देखने को मिलेंगे। सो कुछ इस तरीके से जो है आप टिकट बुक कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे प्लीज कमेंट करें, मैं उससे एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा एंड क्यों टाइप कुछ मैं कर दूंगा। सो करते हैं आपको जो भाई वीडियो पसंद आया होगा, बाकी मिलते हैं आने वाले वीडियोज के साथ एंड 23 फरवरी को भाई पक्का जो है वीडियो कंटिन्यू आने वाले उस दिन के बाद से। तो भाई मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।